हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अगेन ट्रेंडी क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आपके आने वाले किसी भी रेलवे एग्जाम या SSC एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस ही आपके रेलवे के एग्जाम में या ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जाता है। SSC सीजन की बात करें या किसी भी स्टेट PCS एग्जाम की भी बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले ये सेट वन हमने कवर कर रखा है और सेट वन की अगर बात की जाए तो उसमें 20 क्वेश्चंस हमने कवर कर रखे हैं। इनफैक्ट हर एक सेट में हम 20 क्वेश्चंस ही कवर कर रहे हैं और सारे के सारे एक्सप्लेनेशन आपको ऐसे एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे हैं जहां से ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या जा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं हम। कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो ये परमाणु संख्या जो है ये तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर टू है, वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदल जाते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं नाभिकीय विखंडन। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री देख लेते हैं, विटामिन ए सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि विटामिन ए को और किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। जो भी विटामिन है उसकी डिफिशियंसी डिजीज है, उसके जो सोर्सेज हैं और उन सारे विटामिन को और किस नाम से जाना जाता है, ये सारी की सारी चीजें हम ऑलरेडी वीडियो में कवर कर चुके हैं जो आप हमारे साइट पे जाकर हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। सो विटामिन ए की कमी से जो होता है, अगर डिफिशियंसी डिजीज की बात करें तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये कॉमन डिजीज है जो कि लोगों में पाया जाता है विटामिन ए की डिफिशियंसी से। ओके, और विटामिन ए को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये रेटिनॉल के नाम से विटामिन ए को जाना जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें आप याद रख लेंगे विटामिन ए से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते हैं, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है जिसकी वजह से नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, ये आप याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा, श्वेत रक्त कण किसको कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट्स जो होता है ना उसको क्या कहा जाता है? श्वेत रक्त कण। अब ये ल्यूकोसाइट्स के बारे में हम कुछ चीजें जान लेते हैं जो फ्रिक्वेंटली आपसे एग्जाम में पूछा जाता है या आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ल्यूकोसाइट्स जो है इसको WBC के नाम से भी जाना जाता है और WBC को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल, जिसको श्वेत रक्त कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, और ये WBC का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में? ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जैसे जो भी रोग होता है, जो भी इंफेक्शन होता है उससे व्हाइट ब्लड सेल, जिसको हम हिंदी में श्वेत रक्त कोशिका भी कहते हैं, वो क्या करती है? वो हमें सुरक्षा प्रदान करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर सेवन देख लेते हैं, एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? एड्स जो है वो विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। अब एड्स का फुल फॉर्म आपसे हमेशा पूछा जाता है, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? ये है एक्वायर्ड इम्यूनो फ्रेंड्स, राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेंगे, इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, ये आप याद रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर एट देख लेते हैं, सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड को टेबल साल्ट भी कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड का फिर आपसे फॉर्मूला भी पूछा जाता है, तो NaCl इसका सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। फिर इसके मॉलिकुलर वेट की बात करें, ये मॉलिकुलर वेट भी आपसे पूछा जाता है, तो ये आप याद रख लीजिए कितना होता है, 58.44। ये इसका क्या होता है? NaCl का सोडियम क्लोराइड का मॉलिकुलर वेट होता है।
क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? आपने नोटिस किया होगा कि जब ऊंची चीजों पे हम चढ़ते हैं या पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, ये क्यों होता है? हमारी स्टेबिलिटी जो होती है, हमें हमारी जो स्थिरता बढ़ाने के लिए ये काम हम करते हैं कि हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का प्रयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है? तो ये किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है, ये मृदा की आयु पता करने के लिए किया जाता है। रेडियो डेटिंग, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं, रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक से रिलेटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम पाया जाता है दोनों में समान रूप से। अब आप मुझे यह बताएंगे कि हड्डियों में क्या क्या पाया जाता है, हमारी हड्डियां किस किस चीज से बनी होती है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की मात्रा क्या होती है? तो ऐसा यूनिट हम काफी जन सारे के सारे ऐसा यूनिट कवर करने वाले हैं, ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया है। ये घरेलू बिजली मीटर में विद्युत की माप जो होती है, ये किससे मापते हैं, ये हम वाट में काउंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, पारे का निम्नतम हिमांक होता है, ये पारे का निम्नतम हिमांक जो है वो कितना होता है, 39 होता है। ओके, और अगर क्वथनांक पूछा जाए तो ये कितना होता है, 375 होता है। क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? ये किडनी करता है। ठीक है, और डायलिसिस किससे रिलेटेड है, ये लीवर से रिलेटेड है या किडनी से रिलेटेड है? तो ये किससे रिलेटेड है, ये है किडनी से रिलेटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, हाइड्रोजन में भरा गुब्बारा, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में एक और चीज आप जान लीजिए, ये किडनी डायलिसिस की मैंने बात तो कर ली, लेकिन एक क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा प्रोटीन जो है ये किडनी से सेक्रेट होता है, तो ये होता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन आप नाम याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, एल्ब्यूमिन। ये प्रोटीन कहाँ से निकलता है, ये होता है किडनी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, हाइड्रोजन में भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन वाला जो गुब्बारा होता है, जो गुब्बारे में अगर हाइड्रोजन भरा है तो ऑब्वियसली वो ऊपर की तरफ भागेगा। अब जब ऊपर की तरफ जाएगा तो वो ऊपर जाके फट जाता है। अब क्यों फटता है, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ये फटता है किसकी वजह से, वायु दाब ऊपर घट जाता है, जिसकी वजह से गुब्बारा जो है वो फट जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाता है, अगर हाइड्रोजन की बात करें, इसमें जनरली हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो है ना, ये पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है। काफी इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको नोट कर लेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट जो है ये हाइड्रोजन है पीरियोडिक टेबल का, और इसको H2 भी लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन कहलाता है। फ्रेंड्स काफी बार ना आपको ऑप्शंस तो मिल जाएंगे, हाइड्रोफोन हाइड्रोफोन, तो ये हाइड्रोफोन क्या होता है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल ये पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहते हैं, हाइड्रोफोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? ये नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है, ये होता है न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन क्या होता है, ये भी तो आपसे पूछा जा सकता है ना भाई, कि न्यूट्रॉन क्या होता है, इसके बारे में ये किस टाइप का कण है। तो अगर पूछा जाए न्यूट्रॉन क्या होता है, ये क्या होता है ना कि ये एक उदासीन कण होता है। ठीक है, उदासीन कण इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका अपना कोई आवेश नहीं होता है। अब जो ये न्यूट्रॉन है ना, इसका द्रव्यमान जो होता है, इसका द्रव्यमान जो होता है ये प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये आप काफी इंपॉर्टेंट है ये कि न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ये प्रोटॉन के द्रव्यमान के इक्वल होता है, बराबर होता है, लेकिन इसका कोई आवेश नहीं होता, इसलिए इसको उदासीन कण बोलते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 19 है, 17 है हमारा, सॉरी ये 17 हमने कवर कर रखा है. क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं. कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाए रखता है? ठीक है, कौन सा जीव यहाँ पे होगा, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे. कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाए रखता है? तो ये केंचुआ बढ़ाए रखता है. काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और काफी आसान क्वेश्चन होंगे. क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं. कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? ठीक है, तो ये ल्यूकेमिया जो है ना, ये ब्लड कैंसर का एक टाइप होता है, ये ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है. सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि इस ल्यूकेमिया में ये जो ब्लड कैंसर होता है, इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है कि ये जो WBC है ना, व्हाइट ब्लड सेल, इसकी संख्या जो है, इसका नंबर जो है, ये असामान्य रूप से बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से ये ल्यूकेमिया होता है. फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 में है, किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेय में होती है? हमारे जो पेय पदार्थ होते हैं, पेय पदार्थ जो होते हैं, उसमें किस अम्ल की उपस्थिति होती है? तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति होती है. ठीक है, अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ऑलवेज आपसे पूछा जाता है कि इसका पीएच वैल्यू क्या होता है. तो इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 7. इसके भी वीडियोस, पीएच वैल्यू के भी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप उन सारे वीडियोस को देख लेंगे जाकर, क्योंकि पीएच वैल्यू से हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं. तो पीएच वैल्यू जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या है, ये है 7. ठीक है, और इसके बाद आप एक और चीज इसके बाद याद रखेंगे, पीएच वैल्यू 7 है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ना, ये क्या होता है, ये होता है रंगहीन विलयन. ओके, दूसरा है कि ये भी काफी बार पूछा जा सकता है कि इसका गंध कैसा होता है. तो इसका गंध जो होता है ना, ये तीखा गंध होता है इसका, आप याद रखेंगे, तीखी गंध होती है किसकी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, जिसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है, और जिसको रंगहीन विलयन भी कहा जाता है. मतलब ये जो होता है, इसका कोई अपना कलर नहीं होता है, ये जिसमें आप मैच कर दो, मिक्स कर दो, उसके कलर का ही ये रूप ले लेता है, इसलिए इसको रंगहीन विलयन बोलते हैं. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा 20 क्वेश्चन जो हमने कवर किया है. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. हर एक सेट में हम 20 क्वेश्चन ही कवर करने वाले हैं, और इसके बाद हम हर एक सब्जेक्ट का, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, या फिर ज्योग्राफी हो, या फिर स्टैटिक पोर्शन हो, सबके 20-20 क्वेश्चंस कवर करेंगे हम, जो कि रेलवे से रिलेटेड होंगे, और रेलवे के आने वाले किसी भी एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस यहीं से देखने के लिए मिलेंगे. सो बने रहिए हमारे साथ, सारे के सारे वीडियोज को देखने के लिए आपको टाइम टू टाइम सारे वीडियोज मिलते रहे, इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स. और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, हमारे कंटेंट्स पसंद आ रहे हो, तो हमें अप्रिशिएट जरूर करें. सो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे. थैंक यू सो मच.